माँ, मैं फाउंडेशन के लिए निकल रही हूँ। फरियाल के घर का कुछ सामान रह गया था, तो मैं सोच रही हूँ रास्ते में देती भी जाऊँ उसे। अरे तुम रहने दो, मैं जोना के साथ जाके दे आऊंगी, तुम अपने काम पे जाओ बेटा। माँ, जूनी कहाँ जाएगी अकेले? मैं दे आती हूँ, रास्ते में ही पड़ेगा। चलो जो तुम्हें ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं कौन सा हाथ का दिया लिया काम आ गया जो बच्ची की जान बच गई। वरना तू फजर पे सोई है, सुकून ही नहीं था। अम्मी दवा पिलाई से? अरे हाँ, दवाई पिलाई है तभी तो सो रही है। अम्मी, मिशेल को दे मुझे, आप जाएं जाके आराम कर लें। रहने दो ये चोंचले। अरे जान लेने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुमने इसकी? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? माँ हूँ मैं इसकी, आपसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बेटी की। हाँ, कितनी फिक्र है तुम्हें? सब पता है मुझे, सारी परवाह तुम्हें अपनी माँ और बहनों की है। अगली मर्तबा मैं के जाओ ना तो इसे छोड़ के जाना, खबरदार जो साथ लेके गई। मुनीप, सुन रहे हैं आप अम्मी क्या कह रही हैं? सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एहसास है? इस बच्ची का एहसास करने के बजाय तुम मेरी माँ से बहस कर रही हो, बदतमीजी कर रही हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? तुम्हें पता है कि डॉक्टर के पास उसे लेके गए तो डॉक्टर ने कहा था कि सिचुएशन सीरियस है उसकी। ना तुम जैसी लापरवाह औरत ने तो मेरी बच्ची की जान ले ली थी। क्या लापरवाही की है मैंने? घर संभालती हूँ, मिशेल को दिन रात संभालती हूँ, के माँ बाप की खिदमत करती हूँ, और आप, आपको कब शिकायत का मौका दिया मैंने? सुन लो भाई, इनका कहना है हमने इन्हें नौकरानी बना के काम में झोंक रखा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और आप लोग मुझे और मेरी बेटी को मेरी माँ बहन से मिलने से नहीं रोक सकते। अच्छा तो जाओ, जाओ ना, मैंने कब मना किया? जाओ, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ये आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है, और आप मुझे इससे दूर नहीं कर सकते। और हाँ, पड़ गई ठंडक आपके दिल को हम दोनों में फूट डलवाकर। फरियाद लो, आगे इसके हमायती। अच्छा हुआ तुम आ गई, अपनी बहन को लो, दोनों निकल जाओ मेरे घर से। चार दिन अपने माँ बाप के घर पे रहोगे ना, अक्सर ठिकाने आ जाएंगे। बस मुनीत भाई, कोई बात है तो बैठ के भी हो सकती है, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा सुलझा ले, सुलझा ले। इससे कहो कि मेरी माँ से माफी मांगे। मांगो, मांगो माफी। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर दफा हो जाओ घर से, अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ, और उस दिन तक इस घर में वापस नहीं आना जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। और जिस दिन एहसास हो जाए उसे ना जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बहनों ही जैसा तो हूं नहीं कि अपने घर के दरवाजे अपनी ही बीवी के लिए बंद कर दूं। मुनीप, मुनीप, मुनीप रुको। सुना नहीं मुनीप ने क्या कहा है? तुम जैसी बदजबान लड़की की हमारे घर में कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी, मुझे मेरी बच्ची ला कर दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। अरे इस खुशफहमी में मत रहना, बच्ची भी तुम्हारे बगैर रह लेगी और उसका बाप भी। चलो दफा हो, निकलो यहाँ से, चलो। आंटी 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 आंटी, बैठ के बात करते हैं ना, ऐसे कैसे आप? खामोश हो जाओ तुम, हमारे घर का मामला है, हमें सुलझाने दो। चलो तुम भी जाओ यहाँ से, चलो। बस बहुत हो गया अनाया, अब तुम इनसे मेरे लिए फरियाद नहीं करोगी। मैं भी देखती हूँ चार दिन में किसकी अक्कल की काने आती है। यार, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से।